आज जो अंबाला से आ रही है, मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है, यहाँ पर झमाझम बरसात हो रही है। बीते दिन जबरदस्त उमस और गर्मी थी जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो अंबाला में झमाझम बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है। तो अंबाला की ये तस्वीरें देखिए, अंबाला को बरसात का इंतजार था, गर्मी और उमस से राहत देती ये बारिश। तो अच्छी बारिश जो अंबाला में हुई है, झमाझम बरसे हैं बादल और इसके चलते जो उमस है और गर्मी है उससे राहत महसूस हुई है लोगों को। तो अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश की ये तस्वीरें, अंबाला शहर बारिश में तरबतर नजर आ रहा है। तेज बारिश हुई है अंबाला में जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी ये बारिश जिसके चलते मौसम खुशगवार हो गया। तो अंबाला में बरसात से मौसम सुहाना हुआ। तो गर्मी उमस से राहत देती है बारिश अंबाला वासियों को। अंबाला में हुई है तेज बरसात जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है, मौसम भी खुशगवार हुआ है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नरेश सैनी का। नरेश, क्या ये बरसात कब से हो रही है, अचानक से जो अंबाला का मौसम बदला, जाहिर तौर पर गर्मी और उमस से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली होगी, क्या अभी भी बारिश हो रही है, रुक गई है, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि देर शाम को हल्की बारिश हुई थी जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली थी कि अच्छी बारिश होगी और उन्हें जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलेगी, और किसान भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन पूरी रात फिर बारिश नहीं हुई और जैसे ही सुबह हुई तो आसमान में काले बादल छाए और अभी भी बाढ़ के हालात जैसे यहाँ पर स्थिति बन गई है, क्योंकि बारिश काफ़ी धुआंधार बारिश हुई है। और कह सकते हैं कि अंबाला में अब जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो अंबाला की गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई हैं और इसके साथ जल भराव की स्थिति साफ देखी जा सकती है। मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी भी बारिश मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं और ये जो गली है वो पूरी तरह से भरी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को जल भराव की समस्या से जो है एक बार फिर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी पड़ रही थी और उमस भरी गर्मी थी जो, उससे राहत जरूर मिली है और किसान भी काफी खुश हैं और किसान काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश हो और उनकी धान की रोपाई जो है वो पूरी हो सके, और जो उन्होंने धान की फसल लगाई थी वो भी कहीं ना कहीं सूखने के कगार पर थी क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी अंबाला में। हालांकि हल्की एक दो बार बारिश जरूर हुई थी जिसके चलते जो धान की फसल है उसको कहीं ना कहीं जो उसकी पूर्ति नहीं कर पाई थी, और बिजली भी कहीं ना कहीं जो है बिजली विभाग की तरफ से कहा गया था कि बारिश न होने के चलते लोड ज़्यादा हो गया है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो केबल है वो मेल्ट हो रही है, इसके कारण जो है कट लग रहे हैं, और जैसे ही बरसात होगी तो कहीं ना कहीं वो सभी जो बिजली आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और अभी अंबाला के हालात ये हैं कि थोड़ी देर की ही बारिश हो, कुछ देर पहले ही बारिश शुरू हुई थी और अंबाला की गलियां और जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं और लोगों के, जैसा कि हमने अपने विजुअल में दिखाया कि जो जो बरसात का पानी है वो लोगों की दुकानों में भी जाना शुरू हो गया और अब लोगों को यहाँ के बाढ़ का डर भी सताने लगा है। जी अंजिता, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेश सैनी। तो अंबाला